तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में आयरन फार्म बना सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले हम लेते हैं हमें लगने वाली चीज़ें क्रिएटिव से, आप सर्वाइवल से ले लीजिए। तो हमने सभी चीज़ें ले ली है, अभी हम बिल्ड बनाते हैं। हम अब 7 ब्लॉक तक हाइट बनाते हैं और इधर बेस बनाते हैं। बेस बनाते वक्त 4x4 का बनाना। अभी हम वर्क बेंच प्लेस करते हैं। वर्क बेंच प्लेस करते वक्त 10 बेंच प्लेस कर दो। अब हम विलेजरों को चेंबर बनाते हैं। चेंबर बन चुका है और अभी हम इसमें विलेजर डालते हैं। नल्ले बेरोजगार विलेजर नहीं चाहिए, इसको मार देते हैं। अभी सभी वर्किंग कंडीशन वाले विलेजर के लिए आपको विलेजर के हाइट के एक ऊपर हम अभी एक बिल्ड रचते हैं और उस पे उनको 20 बेड बैठेंगे, इतना जगह रखना है। तो अभी हम 20 बेड डालते हैं इस पे। फटाफट से बेड डालता हूँ। तो अभी हम पेड़ के ऊपर ब्लॉक प्लेस कर देते हैं। ये देखिए, ब्लॉक प्लेस करते वक्त ही एक आयरन कॉलम स्पॉन हो गया, यानी कि ये हमारा फार्म वर्किंग कंडीशन में है। तो जल्दी से ब्लॉक प्लेस करता हूँ और एक चेंबर बनाता हूँ जिसमें आयरन कॉलम मर सके और आयरन कलेक्ट हो सके। तो अभी थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर देता हूँ चैम्बर बनाते बनाते। तो अभी आयरन कलेक्टिंग सिस्टम बनाते हैं नीचे। कलेक्टिंग सिस्टम तैयार हो चुका है।
अब देखते हैं हमारे आयरन फार्म में कितने आयरन गोलम स्पॉन होते हैं। तो ये देखिए हमारा आयरन गोलम स्पॉन हो चुका है और देखते हैं हमको आयरन कितना मिलता है इस आयरन गोलम से। हमको 5 और 3 8 आयरन मिल चुका है। तो गाइस आप भी अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में ये फार्म बना के देखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।